मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसे शैतान का गड्ढा कहते हैं। और फिल्म की स्टोरी बहुत बेसिक है और ये रियल स्टोरी है, मतलब 2006 या 8 में एक ग्रुप गया था गुना केव यानी गुफा में और वहाँ पे एक गड्ढे में गिर जाता, बहुत गहरा गड्ढा होता है, उसका ही रेस्क्यू ऑपरेशन है। तो ये एक तरह से सर्वाइवल मूवी है। और अपने देश में हर महीने या 2-3 महीने के अंदर आपको खबर मिल जाती है कि छोटा बच्चा बोरवेल में गिर गया, तो 48 घंटे 72 घंटे में आर्मी ने उसको रेस्क्यू किया। तो सेम वही है, लेकिन जिस तरीके से फिल्म अपने आप को प्रेजेंट करती है, जिस तरीके से एंगल घूमते हैं, जिस तरीके का बीजीएम है और जिस तरीके की एक्टिंग है, परफॉर्मेंस है, सब कुछ एक नंबर। मतलब पूरी फिल्म आप फील करते हो, हर एक चीज, हर एक मोमेंट ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने चल रहा है। फिल्म की सबसे अच्छी बात, फिल्म के बाद जो फिल्म है वो तो है ही अच्छी, जो दोस्ती है उस पर सबसे अच्छी बात कही गई है कि जो स्कूल के दोस्त होते हैं, जब स्कूल के दोस्त होते हैं तो उनको कोई मतलब नहीं होता है कि किसके पापा कितने गरीब हैं और किसके पापा कितने अमीर हैं। मतलब कि उनकी जो दोस्ती होती है वो होती है आदतों के ऊपर। अगर हमारी वाइब्स मिल रही है, हमारी आदतें मिल रही हैं, तो दोस्ती हो जाती है। और वो जो दोस्ती होती है वो अगर आपकी 30-40-50 साल तक चल जाती है, मतलब बुढ़ापे तक चलती है, तो समझ लो आप बहुत ही किस्मत वाले इंसान हो। क्योंकि स्कूल के बाद जो दोस्ती होती है वो सारी की सारी प्रॉफिट लॉस को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। और आप देखोगे कि स्कूल फ्रेंड के अलावा जो जॉब वाली दोस्ती होती है वो तो आपका प्रमोशन या ट्रांसफर हुआ, खत्म दोस्ती, मतलब कि फॉर्मेलिटी वाली रह गई। तो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं वो, जिनकी दोस्ती स्कूल टाइम से चल रही है, जो दोस्त है स्कूल टाइम से और अभी तक दोस्त है, मतलब आपकी उम्र चाहे कितने भी साल हो गई हो, क्योंकि वो दोस्ती आपकी हैसियत देख के बिल्कुल नहीं हुई थी। अब अगर किसी की जॉब अच्छी पोस्ट पर लग जाती है और कोई दोस्त थोड़ा सा वैसा रह जाता है, तो उतने के बीच में भी अगर किसी को घमंड आया तो मेरी नज़र में सबसे बड़ा नालायक है। इस फिल्म को देखते हुए वास्तव में दोस्ती, प्योर दोस्ती जो होती है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। क्योंकि मंजूबल फिल्म में जो गुफा दिखाई गई थी जिसमें कि एक व्यक्ति गिर जाता है, तो वो गुफा का रहस्य क्या था? तो ये जो गुफा है इसको पहली बार 1821 में एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसने ढूंढा था और उसने इस गुफा का नाम दिया था शैतान की रसोई यानी डेविल्स किचन। और 1991 में कमल हसन सर की एक फिल्म आई थी गुना, उसके बाद से इस गुफा को गुना की गुफा भी या गुना केव्स के नाम से भी लोग जानते हैं। और अब तक पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से 16 लोग इस गुफा में गए जो वापस नहीं आए। वापस आना तो छोड़िए, उनकी डेड बॉडी तक वापस नहीं आई, जिसमें 1996 में केंद्रीय मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर का भतीजा भी शामिल है। अब कैबिनेट मंत्री का भतीजा है वो भी अपने भतीजे को नहीं बचा पाया, ढूंढ पाया, जो इस गुफा की तरफ गया था, जो वापस नहीं आया। उस जगह का असली नाम पता है क्या है? डेविल्स किचन, शैतान की रसोई। फिरौनियों ने रखा था ये नाम, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना। फिर जब कमल सर की फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई तब इसका नाम पड़ा गुना केव। आजादी मिलने से पहले सिर्फ हमारे गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 13 लोग अंदर गिर चुके हैं। जो भी अंदर गिरे हैं वो वापस कभी नहीं आए और उनकी लाश भी नहीं मिली। कहते हैं कि ये तो कुछ 900 फीट गहरा है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसकी गहराई नापी गई तो ये कोडाईकनाल जितनी ऊंची होगी। ये एक ऐसी अंधेरी खाई है दोस्त, जिसमें ना ही हवा और रोशनी प्रवेश हो सकती है। इससे पहले इस कुएं में गिरने वाला एक सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा था, कुछ 10 साल का होगा। शहर की सारी फोर्सेस यहाँ जमा हो गई थी। उस दिन मैं भी ड्यूटी पर था। क्रियाकर्म के लिए एक छोटी हड्डी तक लाने वालों को 15 लाख का इनाम था। उस समय के 15 लाख मतलब बहुत बड़ी कीमत होती थी। पैसों के लिए कुछ भी करने वाले लोग हैं इस गांव में, पर कोई भी आगे नहीं आया। क्यों? क्योंकि इंसान से ज्यादा यहाँ पैसों की कीमत है। एक सेंट्रल मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर पाया। और तुम सब लोग तो केरला से आए हुए टूरिस्ट हो, तो तुम लोग क्या कर पाओगे? और कमल हसन सर की जो मूवी है गुना, उसमें से ये देखिए आप, ये जो गुफा दिखाई गई है यहीं से ये गुफा फेमस हो गई गुना केव्स के नाम से, यानी गुना की गुफा। इससे पहले इस गुफा का नाम था शैतान की रसोई।